लड़की हो तो प्लान कर सकते हैं। So I'm just 23. So far I'm not in love right now. अभी तक I'm single. Wanted है companion for the eligible singles in Bollywood. ये स्टार्स किसी पार्टी या फिर कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं आए हैं, बल्कि ये स्टार्स आज अपना प्रेशियस टाइम निकालकर एक शादी में पहुंचे हैं। ये शादी मुश्ताक शेख की बहन की है, वही मुश्ताक शेख जिन्होंने बॉलीवुड को ओम शांति ओम जैसी कहानी दी। शाहरुख को पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त का फेमस डायलॉग दिया। अब जूम के पास शादी का एक्सक्लूसिव इनवाइट था, तो हम भी मौके पर चौका मारकर आपके लिए ले आए बॉलीवुड के सिंगल्स के शादी प्लान्स। That's in God's hand. लड़की हो तो प्लान कर सकते हैं। I'm just 23. So far I'm not in love right now. अभी तक I'm single. सिंगल्स के प्लान के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात शादी में पहुँचे उन शादीशुदा लोगों की जिनकी मैरिज है काफी रॉकिंग। किंग खान एज यूजुअल पहुंचे अपने पूरे टेंशन में, वो भी माइनस ब्लैक। रावण की शूटिंग से लौटे बादशाह खान ने अपनी इस डार्क ब्लू शर्ट और पैंट्स में दिखाया अपना एकदम कूल स्टाइल। और जब इनसे पूछा गया सवाल इनके बेटर हाफ गौरी के साथ इनकी कंपेनियनशिप पर, तो उन्होंने खोल दिए अपने सक्सेसफुल मैरिज के राज। एवरी मैरिज एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी बेस्ड ऑन इट्स ओन स्टीम। सो आई जस्ट विश हर एंड प्रे फॉर हर, इंशाल्लाह दैट शी विल डू वेरी वेल। अपने सक्सेसफुल मैरिज के राज तो सोनाली गोल्डी बहल और दिलीप सायरा ने भी खोले। सीक्रेट इज टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, लव लव एंड कीप ऑन लविंग ईच अदर, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। इनके अलावा रिसेंटली मैरिड स्टार्स लाइक ईशा और टिमी नारंग वॉक्ड हैंड इन हैंड, फरहान आय माइनस अधूना, वही रिसेंटली मम बनी अमृता अरोरा देखी काफी कॉन्शियस अपने वेट और फोटोग्राफ्स को लेकर। कुछ अच्छा एंगल पे दो, यहाँ पे चीक सब अंदर है, स्लिम लग रही है और कार्ड्स को पिक्चर यहाँ से नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे चीक सब अंदर है, स्लिम लग रही है और कार्ड्स को पिक्चर यहाँ से। ये तो हैप्पीली मैरिड आफ्टर कपल्स की बात हो गई। अब बढ़ते हैं शादी में आए एलिजिबल सिंगल्स की तरफ, जो आए एकदम स्टाइलिश अंदाज में। इनमें से सबसे पहले बढ़ते हैं कंगना रनौत की तरफ। जी हाँ, वही कंगना जिनका ब्रेकअप हुआ था अध्ययन के साथ, फिर जुड़ा था नाम बारबरा के भाई के साथ, लेकिन कैंगी बेबी की माने तो वो शादी के लिए अब भी छोटी है उम्र से। जी दिल तो बच्चा है, शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, अभी नहीं सोचती, बिकॉज आई एम जस्ट 23 और अभी मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। मेरी किसी क्लासमेट की शादी नहीं हुई और सब अभी कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं, सो इवन आई डोंट थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड। वेल कंगना, उम्र छुपाना तो कोई आपसे सीखे, वैसे भी इतनी अमेजिंग साड़ी उस पर बेहद अच्छी हेयर स्टाइल में देखकर आपको तो कोई भी पसंद कर ले। कैंगी बेबी अब भी बेबी है, तो वही कैटरीना कैफ है एकदम मैच्योर। जी हाँ, एकदम मैच्योर। अब हम उन्हें मैच्योर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही बोरिंग आंसर को रिपीट करने में जो कला कैट ने हासिल की है वो किसी के पास नहीं है। कैटरीना जब भी कोई शादी में जाता है उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि वो कब शादी कर रहे हैं। That I don't know. That's in God's hands. That's something not in my hands. वही boring answer, वही boring style. Simple LWD में किसी की शादी attend करना तो कोई cat से सीखे। God पर छोड़ने वाली cat को अपने answer में modulations लाना विवेक ओबेरॉय से सीखना चाहिए, जो सब कुछ भगवान पर नहीं अपने आप पर भी छोड़ते हैं। इसीलिए शादी का सवाल पूछे जाने पर विवेक ने ये कह दिया, लड़की हो तो प्लान कर सकते हैं ना, मेरे पास तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, there's no concrete plan. अब इन्हें लड़की मिले या ना मिले, लेकिन सेलिना को इस अवतार में लड़का जरूर मिल जाएगा। शादी में सेलिना बनकर उतरी एकदम बंगाली ब्राइट बनकर, माथे पर बिंदी, ग्रीन साड़ी, कयामत, सिर्फ और सिर्फ कयामत। When I find the right guy, definitely then. अभी तक I'm single till the day I get married. Well, Selena, just an advice. शादी जल्द ही कर लेना, वरना लड़का ढूंढते रह जाओगी, जिस तरह प्यार ढूंढ रहे हैं तुषार कपूर। जब मुझे मालूम पड़ जाएगा फिर मैं आपको भी इत्तला कर दूंगा, but so far I'm not in love right now. तुषार भले ही लव ढूंढ रहे हों, लेकिन इस शादी में रितेश और जिनेलिया ने एक दूसरे को जरूर ढूंढ लिया, लेकिन ना जाने क्यों इनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा से ही थोड़ी अलग लगी। ये तो एलिजिबल सिंगल्स की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उन सिंगल्स की जो बिल्कुल भी नहीं है स्टाइलिश। शादी अटेंड करने आए एकता कपूर, एकता को पहली बार देखा गया ना हैवी लहंगा। लहंगा कितना हैवी है उसका अंदाजा आप एकता के अनकम्फर्टेबलनेस से लगा सकते हैं। लहंगा को कंपटीशन दिया रानी मुखर्जी के इस झोलर ड्रेस ने, झोलर इसीलिए क्योंकि इस ड्रेस का क्या झोल था वो हमें समझ ही नहीं आया। प्राची देसाई भी नहीं देखी उतनी हैपनिंग। डिटो विद